नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल रास्ता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थर्मो केयर कंपनी का एक इलेक्ट्रिकल वार्म बैग, या तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल हॉट बैग। ये जो इलेक्ट्रिकल हॉट बैग है, ये मैंने मंगवाया है amazon.in से और इसका प्राइस है आपका 240 रुपीज़। ये आपको अलग अलग कलर में मिल जाएंगे। बैग आपका इसी साइज का है और इस बैग का खासियत है कि ये बैग आपको इलेक्ट्रिकल से गर्म होगा और इस बैग के अंदर में पानी आपको डालने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर में लिक्विड जेल दिया गया है। चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। सिंपल सा सामान है, बॉक्स के अंदर कुछ दिया गया नहीं। एक बैग दिया गया है और एक केबल दिया गया है। केबल ज़्यादा लंबा नहीं है, ये आपका 2 फुट का केबल है, आपका 24 इंच का केबल है। और इस तरफ एक LED लाइट दिया गया है और पीछे की तरफ एडाप्टर जैसा दिया गया है। बैग देखने में ऐसा है। इसका अंदर आपको वाटर नहीं है, इसका अंदर जेल इंसर्ट किया गया है। इस बैग को आप इलेक्ट्रिक पावर से गर्म कर सकते हैं, अदरवाइज इस बैग को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर में डीप फ्रीजर में रख के इसको कोल्ड भी कर सकते हैं। एक बार ये हॉट या कोल्ड होने के बाद इसका जो गर्माहट है वो आपको 3-4 घंटे तक रहेगा। कोल्ड भी करते हैं तो भी आपको ये 3-4 घंटे तक कोल्ड रहेगा क्योंकि इसके अंदर में जेल है, तो इसीलिए ये ज़्यादा टाइम तक हॉट और कोल्ड रहता है। चलिए इसको हॉट करके देखते हैं। इसको आप यहाँ से घुमाइए नॉब को, तो यहाँ पे ये पॉइंट दिखने को मिलेगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ दीजिए, मैंने जोड़ दिया है। अभी इसको मैं इलेक्ट्रिकल पावर में लगा दूंगा। अभी देखिए, मैंने स्विच ऑन कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पे LED इंडिकेशन भी मिल रहा है, तो देखता हूँ ये कितने टाइम में हॉट हो जाता है। अभी देखिए, इसमें मैंने 2 मिनट तक हॉट किया है। 2 मिनट के बाद मैं इसमें देखता हूँ कितना हॉट हो चुका है। थर्मामीटर से देखता हूँ कि इसमें कितना हॉट हो चुका है। 52 डिग्री सेल्सियस हॉट हो चुका है इसमें, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसका अगर कहीं से भी थोड़ा सा लीकेज आता है तो आप देख लीजिए, तो इसको तुरंत ही रिटर्न कर दीजिए। और आप जब इसको यूज़ करेंगे तब आप इस प्लग को चार्ज करते हुए बिल्कुल यूज़ ना करें। 5-6 मिनट तक गर्म होने दीजिए, उसके बाद इसको यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।